हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमविंग्स अकेडमी। आज हम केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक जो है आपका क्लास नाइन्थ के अंदर भी है, क्लास इलेवंथ में भी है, क्लास ट्वेल्थ में भी है। तो आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आपको केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से हैंडल करना है, तो आपको मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लेकिन अक्सर बच्चों के अंदर ये दिक्कत रहती है कि मोल कॉन्सेप्ट उनको अच्छे से समझ में नहीं आता है, या उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए और मोल कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट है एक्चुअल के अंदर। तो ये सारी बातें की बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोल अवधारणा बोलते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या आना चाहिए वो देख लो। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आपको कि आपको एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मतलब आपकी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम बात करें तो कोई सिंबल आपको दिया हुआ है तो उस सिंबल को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो मेनली आपको 1 से 30 तक एलिमेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एटम एंड आपका क्या हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन, एटम आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो एटम का आपको मास पता होना चाहिए, यानी कि एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मोलर मास। और थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए एनटीपी एंड एसटीपी। तो अगर इनमें से किसी भी टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इन सभी वीडियोस का अलग अलग, आप जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि इससे आपको इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट तो है आपका मोल, ध्यान रखना है मोल अलग है और मोल कॉन्सेप्ट अलग है। तो फर्स्ट तो हम बात करेंगे मोल की। जैसे ही आपको मोल समझ में आ जाएगा फिर हम चलेंगे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मोल क्या होता है हमारे पास, मोल को समझना अगर आपको, तो सबसे पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूं उनको ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे बोलूं 1 dozen, तो 1 dozen जब भी मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलते हो, सर 12 है। अब 1 dozen पेन लेके आओ, मतलब आप 12 पेन लेके आओगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 1 cent तो आप क्या लेके आओगे, 100। इस तरह से ये आपका क्या होता है, एक यूनिट होता है। अगर मैं वैल्यूज बढ़ाता जाऊं और करोड़ों लाखों पे लेके जाऊं कि एक ऐसा यूनिट है जो आपको इतने ह्यूज नंबर्स लाने के लिए बोल रहा है, तो उसको अगर हम बात करें एटम के लेवल पे, तो एटम क्या होते हैं, इतनी सी जगह में बहुत सारे एटम आ सकते हैं। तो अगर मैं उनको डजन में लाऊंगा, सेंट में लाऊंगा, तो इनके लिए हमारे पास बहुत बड़ा नंबर होना चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, मोल यूज करते हैं। तो 1 mole जो होता है वो आपका कुछ भी नहीं है, एक यूनिट है, क्या है, 6.022 या 23 into 10^24, इतना बड़ा नंबर है आपका। इस नंबर को रियलाइज कराता हूं मैं आपको, 6 के बाद कितने जीरो लगाने हैं आपको, 24 जीरो लगाने हैं। तो 1 0 तो ये हट गया, 2 3, अब कितने जीरो लगाने हैं, 21, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इतना बड़ा नंबर है, कहाँ इतना सा नंबर और कहाँ इतना बड़ा नंबर। तो 1 mole अगर मैं आपको पेन लाने के लिए बोलूँ तो आप इतने पेन लेके आओगे, 1 mole अगर मैं आपको बनाना लाने के लिए बोलूं तो आप इतने बनाना लाओगे। तो आप समझ सकते हो मोल, 1 mole का मतलब क्या है। और इसी 1 mole को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, जिसको एन ए से डिनोट करते हैं। तो ध्यान से समझना है, 1 mole मतलब इतना नंबर है, 1 mole को ही क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, ये आपका नॉर्मल फॉर्म के अंदर दे रखा है। क्लियर है यहां तक, यहां तक नोट करो। अब देखो स्टार्ट करेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट को।
तो मोल जो कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्या है? तो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मोल को तीन चीजों से रिलेट करेंगे, यानी कि हम इसके तीन फॉर्मूले देखेंगे और आपका मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो मोल का रिलेशन देखेंगे हम किसके साथ, मास के साथ या वेट के साथ, ठीक है, यहां पे मैं W लिख देता हूं इसको। इसके बाद दूसरा रिलेशन देखेंगे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, या इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ एंटिटीज के साथ। एंटिटीज का मतलब और पार्टिकल्स का मतलब सेम है, क्या होता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। इसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे हम वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल को एन नॉट से दिखाते हैं। तो इन तीनों का, वी का, एन नॉट का और डब्ल्यू का रिलेशन देखेंगे हम मोल के साथ, और मोल को किससे डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एन से। तो तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास। तो फर्स्ट फॉर्मूला, मोल जो होता है वो आपका मास अपॉन मोलर मास, अभी मैं लिखाऊंगा सबको। फर्स्ट फॉर्मूला तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्मूला, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। थर्ड, मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4, ध्यान रखना ये किस में होता है, लीटर के अंदर होता है गैस का वॉल्यूम, ठीक है। और कंडीशन होती है एट एनटीपी। एनटीपी क्या होता है तो मैंने बताया आपको, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो एनटीपी क्या होता है। तो तीन फॉर्मूले हो गए हमारे पास, मोल का रिलेशन वेट के साथ या मास के साथ, मोल का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, मोल का रिलेशन वॉल्यूम के साथ। ये तीनों कंडीशन आपका क्या होती है, मोल कॉन्सेप्ट होती है, ठीक है। तो यहां पे हम वन बाय वन बात कर लेते हैं कौन सी चीज क्या है। तो देखो यहां पे हमारे पास स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन होता है मोल, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू आपका मास या वेट होता है जो आपको गिवन होगा या आपको निकालना होगा, ठीक है। इसके अलावा एन नॉट क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं या एंटिटीज, कुछ भी हो सकता है आपका। और वी आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, ध्यान रखना यहां पे लीटर में होता है गैस का वॉल्यूम। तो इस तरीके से हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। ये फॉर्मूला आपको कब काम में लेना है, जब आपको मोल पूछा है और दे दिया कि इतने ग्राम है आपका कोई भी मॉलिक्यूल, तो आप उसके मोल निकाल सकते हो, क्योंकि उसका मोलर मास निकालना आपको सिखा दिया है मैंने, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मोलर मास और W यानी कि ग्राम में कोई भी आपका मॉलिक्यूल दे रखा है तो आप आसानी से उसके मोल निकाल सकते हो। यहाँ पे कोई भी मान लो मैं बोलूँ आपको कि इतने एटम दे रखे हैं तो उनमें कितने मोल होंगे, तो आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि एन ए तो फिक्स होता है, एवोगैड्रो नंबर अभी बताया था मैंने आपको। और अगर मैं आपको बोल दूं कि मान लो मैंने 5 लीटर कोई गैस ली है तो उसके अंदर कितने मोल होंगे, तो आसानी से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही फॉर्मूलों को यूज करके क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब अगर मैं तीनों को मर्ज कर दूंगा फॉर्मूलों को, तो यहां से हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि अगर यहां पे आपके पास कुछ कंडीशन दे दी, यहाँ से केवल आप मोल निकाल सकते हो, आपसे ये पूछे तो इधर से इसको कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि हमारे तीनों फॉर्मूले अगर मैं कंबाइन करूँ यहाँ पे आपके पास W अपॉन M इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन एन ए इक्वल्स टू वी अपॉन 22.4, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का मेन फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये सब के सब किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको दे रखी है उसको पुट करना है, जो निकालना है वो आप आसानी से निकाल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंबल क्या होता है।